बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं बीफ बारबेक्यू मसाला। ये गोश्त मैंने फ्रीज़र में से निकाला है। आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि इसका कलर जो चेंज है, ये थोड़ा थोड़ा सा पकी लुक दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है कि जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको इनके सेव करने का तरीका बता चुकी हूँ, उसी तरीके से मैं इसको धो के तो फ्राई करके या बॉयल करके जिस तरह से मैं मुनासिब समझूँ या जैसा मेरे पास टाइम हो तो उस तरीके से मैं इसको सेव करती हूँ। जिसके लिए मैंने लिया 3 पाव गोश्त। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन करने के लिए 1 कप दही है, ये दही हम इसके ऊपर डाल देते हैं। नमक 1.5 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, खुश धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। इसका बिल्कुल थोड़ा सा हमें टच देना होता है, बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा तेज जो है उसका फ्लेवर आ जाता है। टिक्का मसाला 1.5 टीस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं और तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप इसको मैरिनेशन का देंगी उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है इसमें आएगा। अब ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब इसको हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। 6 घंटे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम उसकी नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने 1/2 कप ऑयल जो है वो पैन में डाल लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इनको भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। ज़्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क कर लेते हैं तो फिर कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है हंड ज़्यादा, इसलिए हमने इसी तरह का बादामी सा कलर इसका करना है। अब ये 2 टमाटर थे जिसको मैंने फाइन चॉप किया है, ये भी हम इसमें शामिल करते हैं। 6 घंटे पहले हमने बीफ मैरिनेट किया था, वो हम इसमें शामिल करते हैं। सिर्फ हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं, फिर 2 कप पानी शामिल करते हैं ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 20 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हैं ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। मसाला से गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और मसाला भी बिल्कुल बनना शुरू हो गया है। 4 से 5 मिनट बारीक हरी मिर्चें कट दी है, उसमें शामिल करते हैं। मसाला जो है वो तैयार है, घी छोड़ दिया उसने। जब घी मसाले से लैदा हो जाए तो इसका मतलब कि हमारा सालन जो है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इस स्टेज पे आके अगर आप इसको धुएं का दम देना चाहें तो दे सकती हैं, अगर नहीं देना चाहती तो आप ना दें। कोयला जो है वो गर्म करके रख दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और इसको दम लगा देते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। ज़बरदस्त सा स्मेल जो है इसके अंदर चलेगी है कोयले की। अब ये हम उठा देते हैं एक साइड पर। आपको बारबेक्यू बीफ मसाला जो है वो अच्छा लगा होगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह की एक और रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।